सोलन में राखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लॉकडाउन के चलते बाजारों में चहल पहल कम दिखी, लेकिन फिर भी भाई बहन का प्यार कम नहीं हुआ। हर उम्र के भाई बहन ने राखी के त्योहार पर एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना की। भाइयों ने बहन से कलाइयों पर राखी बंधवाकर उनकी रक्षा करने का प्रण लिया और हर सुख दुख में साथ देने का वायदा भी किया। गौरतलब है कि सभी शहरवासियों ने इस दिन चाइना निर्मित राखियों का पूर्ण रूप से विरोध किया। ज्यादातर हाथ से निर्मित राखियों को ही उपयोग में लाया गया। इस मौके पर राखी का पवित्र त्योहार मनाते हुए भाई बहनों ने कहा कि इस बार वे कोरोना संक्रमण के चलते ये त्योहार पहले की तरह धूमधाम से नहीं मना सके, इसलिए वे कामना करते हैं कि अगले वर्ष तक ये कोरोना संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो जाए और वे पहले की तरह इस त्योहार को मना सकें। उन्होंने कहा कुछ भाई और बहने एक दूसरे से इस पावन अवसर पर मिल नहीं पाए, इसलिए उन्हें इस बात का दुख भी है, लेकिन सभी को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस बार वे सूक्ष्म रूप से राखी मना रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष वे ये त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। राखी का त्योहार है और हम सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं कोरोना काल में। उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमें ये कोरोना काल से हम निपट जाएं और हम ये बीमारी दूर हो जाए, तो अगले साल हम धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएं और सभी प्रदेश के सभी बहन भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने घर में रहकर ही अपनी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। मैं गौरव, गंज बाजार सोलन। आप सभी देश व प्रदेशवासियों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि जैसे ये कोरोना काल चल रहा है तो इसमें भी हम बड़े सूक्ष्म रूप से राखी का त्यौहार बड़ी अच्छे ढंग से मना रहे हैं और जल्द ही इस कोरोना महामारी से हम उबर पाएंगे और भी अच्छे ढंग से आने वाले वर्षों में हम इसको और अच्छी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद। राखी का जो त्यौहार है काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है और काफ़ी अच्छा त्यौहार है, काफ़ी स्वस्थ त्यौहार है। एक राखी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई बहन के रिश्ते को बताया जाता है, भाई बहन के रिश्ते को जितलाया जाता है। साथ में मैं प्रदेशवासियों का और सोलन वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने राखी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर लॉकडाउन के चलते हुए जो महामारी पड़ी हुई है, कोरोना वायरस चला हुआ है, उसके चलते हुए उन्होंने पूरा सहयोग करा। सोशल डिस्टेंसिंग चाहे बाजार में राखी खरीदारी को लेकर हो चाहे किसी भी तरह से हो, हर एक जनता ने प्रॉपर सहयोग करा। प्रॉपर एक्चुअल में अगर इसकी बात करी जाए तो लोगों ने अपने इमोशंस को बीच में ना लाते हुए देश हित के बारे में सोचा, प्रदेश हित के बारे में सोचा, ताकि जो स्प्रेडिंग वायरस है, एक महामारी है, ये फैलने से बचे। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा तो बहनों को भी बुरा लग रहा है और भाइयों को भी बुरा लग रहा है, ये हर एक चीज़ हमेशा की तरह नहीं होती है। पर इसमें प्लस पॉइंट ये है कि सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग है, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और सारे के सारे सरकार का और देश का और सबका सहयोग कर रहे हैं। और आगे तो बड़े धूमधाम से मनाते थे, जैसे कि दो चार दिन पहले तैयारियां करते थे, अब वो तो नहीं है, लेकिन अपने घर में जो कुछ है वो ठीक है, अच्छे से मना रहे हैं।